हमारे पिताजी नजर ही नहीं आते। नजर तो आवाज लगाओ, हो सकता है तुम्हारी आवाज उनके पास तक पहुँच सके। चल महाराज, आप कहाँ हो? चल छोटू और आगे चल कर देंगे। चलो
कहाँ है? आपके पिताजी जंगल में खो गए हैं। जी हाँ, मैं आपके पिता को बताऊंगी, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा। वादा? हाँ। कैसा वादा? तो पहले शादी का तुम मुझसे वादा करो, फिर विश्वासी हो आप के बाकी का उन हंस के मुझको गले से लगा लीजिए। तो पहले शादी का नाम तुमसे वादा करूं, पहले शादी का नाम तुमसे वादा करूं, मेरे बापू का जन्म जब अपने पिता को पाओगे तभी तो यहाँ जाओगे। क्या हमारे पिताजी का पता आपको मालूम है? हाँ मैं जानती हूँ। तो फिर हमें हमारे पिताजी के पास तक। ठीक है, चलिए आइए। चलो दूर और बचाई। हे भगवान, ये क्या हो गया? चलिए इनको अपने मंत्र से होश मिलाती हूँ। जब तक घोड़े की आंखों नहीं लगेगा, घोड़ा सादा सदक लिए अंधा रहेगा। टंकनी गुफा काल कुंड का जल जब तक महाराज के मत्थक पर नहीं लगेगा, महाराज सदा सदक लिए पत्थर के रहेंगे। नहीं दीदी। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? भगवान के लिए बस ऐसा सर आप मत दीजिए मुझे। मुझे दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है।
श्राप दे दिया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आखिर कौन लाएगा? प्रेम खिला टेरी चोटी पर की घुबरी घास डंकरी गुफा काल उनका जल मेरे तो समझ में लिखा था। अब मैं यहां से चलती हूँ, चलती हूँ अपने राजमहल वापस चलती हूँ। अभी तो राजकुमारी महाराज का पता लगा कर रही नहीं है। अरे हो सकता है जंगल का मामला हो, पता लगा के आती हो या साथ लेकर आती हो। चल हवाले का इंतजार करेंगे। आप अकेले? महाराज मिले या नहीं? मंत्रीवर हमारे पिताजी तो मुझे जरूर मिले, लेकिन सबसे पहले चलो राजमहल चलते हैं, वहां तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगा। राजमहल? जी हाँ। चलिए राजमहल, आइए हम राजमहल चलते हैं। चलो आप बहुत धीरे चलती हैं। चलिए अभी राजमहल काफी दूर है। चलो चलो चुनी लगे कहिए बाले। ये बता राजकुमारी तू अकेले आई है? महाराज तो थे नहीं? महाराज नहीं थे, लेकिन राजकुमारी ने खुद बताया नहीं कि महाराज मिले या कि नहीं। सिर्फ इतना कहा राजमहल चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पता नहीं मालूम आखिर क्या बताना चाहती है। जब राजकुमारी आएगी खुद ही पता लग जाएगा। महाराज तू थी नहीं? क्या बात है, तो राजकुमारी जी मुझसे बताना चाहती है और मुझे बताया तक नहीं है। अब उनके आने का इंतजार करेंगे। आप आराम। राजकुमारी मैं यही सोच रहा हूं कि आप महाराज को खोज करने गए थे, महाराज तो साथ है नहीं, आखिर आप क्या बताना चाहती है? मंत्रीवर हमारे पिताजी तो मिले, लेकिन उनके लिए मुझे बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करना पड़ा। प्रतिज्ञा? जी हाँ। आखिर आप किस प्रतिज्ञा की बात करती है राजकुमार जी? पूरे नगर में ऐलान करवा दो कि प्रेमशिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास डंकरी गुफा काल उनका जल जो कोई लाएगा ये राजकुमारी सुलेखा उसी के साथ शादी रह जाएगी। आपने एक ऐसे प्रतिज्ञा कर ली है? जी हाँ। डंकरी गुफा काल कुंड का जल टेढ़ी पर की घुमरी घास जो लेकर आएगा आप उससे शादी करेगी? हाँ मतलब, और हमारे पिताजी उस जंगल में हमेशा हमेशा के लिए पत्थर के हो गए, जब तक कालकुंड का जल उनके मस्तक पर नहीं बढ़ेगा जब तक हमारे पिताजी हमेशा पत्थर के ही रहेंगे। राजकुमारी जी आपने कैसी प्रतिज्ञा ठान ली है? अरे जवानी क्यों बर्बाद कर रही हूँ राजकुमारी जी? क्या मतलब? कोई नहीं है लाने वाला, ऐसी प्रतिज्ञा ठान कर एक जवानी को यूं बर्बाद मत करो। इस संसार में कोई माई कला नहीं है जो तुम्हें डंकरी गुफा कालकुंड का जल
और प्रेस सिला टेढ़ी पर के घुबरी घास ला कर दे सके। नहीं मंजूर है, अगर मैंने प्रतिज्ञा किया है तो इसे पूर्ण करना मेरा धर्म है। ठान कर ऐसी प्रतिज्ञा ना समझ कर मैं तो कहता हूँ आप कैसी पैकी बैकी सी बातें करती है। बस ऐसा कोई तो होगा दुनिया में जो मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा, लेकिन कोई प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाला नहीं है। तो थाली जो है मैंने थाली आपको क्या कमी उसी